बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी। वैसे 90 से 97 तक तो लालू प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री रहे, फिर चारा घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। और हाल ही में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया जिसमें वे कह रहे हैं कि वे काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। उन्हें किडनी डोनेट की है उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने। काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है रोहिणी को, और हो भी क्यों ना, इस यंग एज पर किडनी डोनेट करना बहुत बड़ी बात है। बात अगर करें लालू प्रसाद यादव के बच्चों की, तो उनके 9 बच्चे हैं। उन 9 बच्चों में 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। आज हम सिर्फ रोहिणी आचार्य की बात करेंगे, वही रोहिणी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की है। वैसे रोहिणी आचार्य का जो सरनेम है आचार्य, वो उन्हें उनके हस्बैंड से नहीं मिला है, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बात यूँ है कि उनका जन्म, रोहिणी का जन्म ऑपरेशन से हुआ था, और उस वक्त जो लेडी डॉक्टर थी कमला आचार्य, वो काफ़ी मानती थी लालू प्रसाद यादव को। उन्हें जब फीस देनी चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आप मेरा सरनेम अपनी बेटी को दे दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने पर नाम रख दिया गया रोहिणी और सरनेम मिल गया आचार्य। रोहिणी की शादी 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से हुई थी, और काफ़ी एक्टिव रहती हैं रोहिणी सोशल मीडिया पर, पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। कहते हैं कि रोहिणी की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, सिर्फ वरमाला का स्टेज ही 1 करोड़ रुपए का बना था। फिलहाल वे सिंगापुर में रहती हैं अपने पति और बच्चों के साथ, वहीं पर सेटल हैं। उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, उस पर भी फिर कभी बात करेंगे।